नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं नरसिंह मंदिर। जी हाँ, जोशीमठ मंदिर के बारे में भी हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे जोशीमठ मंदिर और नरसिंह मंदिर एक ही है। दोस्तों, इस मंदिर की हम कई सारे विशेष बातों पर ध्यान दें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं नरसिंह मंदिर या फिर जोशीमठ मंदिर के बारे में, तो आपको हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपके लिए नरसिंह मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, नरसिंह मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को समर्पित है। यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को नरसिंह बद्री या नरसिम्हा बद्री भी कहा जाता है। नरसिंह मंदिर को जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को सप्त मंदिर की यात्रा में से एक है। इस मंदिर को सप्त मंदिर की यात्रा में से एक माना जाता है। भगवान नरसिंह को अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए एवं राक्षस हिरण कश्यपु का वध करने के लिए जाना जाता है। आपको हिरण कश्यप की कहानी तो और प्रहलाद की कहानी तो पता ही होगी। नरसिंह मंदिर में मुख्य मूर्ति जो आधा शेर है और आधा आदमी के रूप में स्थापित है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति शालिग्राम के पत्थरों से बनी हुई है। इस मूर्ति का निर्माण 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादेय युक्कापीड़ा के शासनकाल के दौरान किया गया था। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि नरसिंह देवता की यह मूर्ति स्वयं भू है। छवि 10 इंच की, 25 सेंटीमीटर ऊंची है और कमल की स्थिति में बैठे भगवान को दर्शाती है। नरसिंह बद्री मंदिर की कथा भविष्य बद्री मंदिर की पौराणिक कथा से निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति की बाई भुजा समय के साथ कम होती जा रही है और अंत में जब गायब हो जाएगी। बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर व बद्रीनाथ धाम का रास्ता अवरुद्ध है, दुर्गम हो जाएगा, तब भगवान बद्री भविष्य बद्री मंदिर में भी दर्शन देंगे। बद्रीनाथ मंदिर के बजाय भविष्य बद्री मंदिर में पूजा की जाएगी। जब सर्दियों में मुख्य बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो बद्रीनाथ के पुजारी इस मंदिर में चले जाते हैं और यहां बद्रीनाथ की पूजा जारी रखते हैं। केंद्रीय नरसिम्हा मूर्ति के साथ मंदिर में बद्रीनाथ की भी एक मूर्ति है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में आपको बद्रीनाथ और जोशीमठ में स्थित मंदिर यानी कि नरसिंह मंदिर की सभी जानकारियां मिल गई होगी। अगर आपको यहां जाना है तो जाने के लिए जो बहुत बढ़िया समय होता है वो फरवरी से नवंबर का होता है, और अगर इसके बंद होने के और इसके खुलने की टाइम बता दें तो आपको 7 बजे सुबह ये खुल जाता है और शाम को 6 बजे जो है ये बंद हो जाता है। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है फरवरी से नवंबर तक का, और आपके लिए इसका समय जो है वो 7 बजे से 6 बजे तक है, अगर आप नरसिंह देवता के दर्शन करना चाहते हैं तो। आशा करती हूँ आपको हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।